क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा कि आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हो, या फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको समझने के लिए ध्यान से देखना कि आपका जो डायग्राम है गैल्वेनोमीटर का, वो एक्चुअल में तो है ऐसा ऐसा, और अगर आप उसको टॉप से देखें ऊपर से, तो आपको सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर दिखेगा ऊपर गोल, और ऊपर में वायर लिपटी हुई दिखेंगी ऐसे। तो एक्चुअल में जब आप इसे देखेंगे टॉप में, तो ऐसा दिखेगा, सच दैट ये आपको सिलेंडर दिखेगा टॉप पे, और कुछ वायर्स ऐसे अंदर के लिए लिपटी दिखेंगी। तो हम क्या करते हैं, जो मैग्नेट्स हैं उसके आसपास, उसमें हम उसको गोल रखते हैं ऐसे, कनकेव शेप बोलते हैं। मैग्नेट को ऐसे ही रखते रख तो ऐसे भी सकते हैं कि ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ये लो। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी बनेंगी, ऐसी बनेंगी, ऐसे बनेंगी, राइट। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बनेंगी। तो इसमें, इसके अंदर अगर आप एक टॉप व्यू देखें कॉइल का, जिसमें कॉइल टर्न्स ऐसे हैं, वायर्स ऐसी हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें अनयूज्ड है। देखो ना, कॉइल के बाहर जा रहा है, ये चाहिए नहीं मुझे, क्या करना है मेरे को बाहर, मेरे को तो कॉइल के अंदर से पास करना है, ताकि कॉइल को हाई मैग्नेटिक फील्ड मिले, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिले, और वो ज़्यादा टॉर्क जनरेट करे, सेंसिटिविटी बढ़े। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको गोल कुछ ऐसा बनाता हूँ, इसका जो डायग्राम है मैं इसमें ऐसे बनाता हूँ, ऐसे। तो ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये आपका साउथ पोल है ऐसे, और ये आपका टॉप व्यू ऑफ सिलेंडर जिसमें कॉइल जा रही है, ये भी टर्न्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे ख़त्म होती हैं। ये स्टार्ट भी परपेंडिकुलर होती हैं और ख़त्म भी परपेंडिकुलर ही होती हैं। जैसे ये एक लाइन गई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये यहाँ से गई और यहाँ एंटर करेंगी, 90 डिग्री पे आएंगी और 90 डिग्री पे एंटर करेंगी। ये ऐसे जाके मुड़ेगी मुड़ेगी, क्योंकि 90 पे आने, 90 पे जाने, ऐसे। तो इस तरीके से करने से क्या हुआ, बहुत सारी या ज्यादातर मैग्नेटिक लाइंस कॉइल के अंदर से पास होके जाती हैं, इसलिए इसको कनकेव टाइप बनाते हैं, राइट, ताकि फील्ड स्ट्रांग मिले। तो क्वेश्चन नंबर वन आएगा कि पोल्स ऑफ मैग्नेट कनकेव क्यों बनाई जाती हैं। तो आप लिखेंगे डायग्राम के साथ, पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कनकेव इन शेप टू हैव यूनिफॉर्म रे फील्ड, स्ट्रांग रे फील्ड और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि यूनिफॉर्म स्ट्रांग तो ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो अगला फिर पॉइंट देखें, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज दैट फील्ड इन विच प्लेन ऑफ क्वाइल ऑलवेज लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये प्लेन ऑफ क्वाइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और अगर ये एक डायरेक्शन में, तो टॉर्क इनमें क्या लगेगा, मैक्सिमम। ऐसे डिस्कस किया था, अगर क्वाइल और बी एक डायरेक्शन में है तो टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम। तो रेडियल फील्ड कौन सा फील्ड है, जब क्वाइल और बी एक डायरेक्शन में है, ताकि टॉर्क उसमें मैक्सिमम लगे। तो इस केस में पहला क्वेश्चन आएगा, कनकेव शेप क्यों है मैग्नेट, बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिखेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कॉइल और बी सेम डायरेक्शन में, ताकि टॉर्क मैक्सिमम। तीसरा क्वेश्चन आएगा, हम फील्ड को रेडियल क्यों लेते हैं, ताकि टॉर्क उसमें मैक्सिमम आए। क्लियर है यहां तक? तो ये टर्म्स आपको तीनों याद रखनी है।